दार्जिलिङमा अब सुरु हुने पर्यटन मौसमलाई केन्द्र गरेर दार्जिलिङ ट्राफिक पुलिसले आज दार्जिलिङका विभिन्न सिन्डिकेटका प्रतिनिधि अनि गाडी चालकहरूसित एक बैठक गर्यो। विशेष पर्यटन मौसमको समय दार्जिलिङमा ट्राफिक जामको समस्या नहोस् भन्ने विषय लिएर नै ट्राफिक पुलिसले यो बैठक गरेको दार्जिलिङ ट्राफिक डिएसपी अरिन्दम अधिकारीले बताएका छन्। यो याद गरिदिनुहोस् किनकि यो कारण मेन छ तपाईँको हाम्रो ज्योति अलिकति ठुलो छ, ठुलो काम छ, जग्गामा अलिकति सबै बन्दोबस्त राख्दैछु। गाडी हामी डबल वे गर्नुको लागि किन टु वे छ कि सिङ्गल वे भएको उतातिर। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है अभी हमारा अप्रैल महीना आने वाला है और मार्च महीना का एंड है, तो धीरे धीरे जो टूरिस्ट है ये आस्ते आस्ते बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो टूरिस्ट सीजन आ रहा है इसीलिए हम लोग सीजन मीटिंग हर साल करते हैं, तो इसीलिए ड्राइवर सिंडिकेट जितना भी है सबको बुलाया है टूरिस्ट कंट्रोल के लिए। कितना भी जैम होगा रास्ते में ये सब कारण के लिए हम लोगों ने बुलाया है। इसमें मेन क्या इशू है? मेन इशू मतलब देखिए, हमारे दार्जिलिंग में जो व्हीकल कैपेसिटी है वो 6,000 से 7,000 तक है, लेकिन टूरिस्ट सीजन में हम लोग देखते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते 22,000 23,000 तक पहुँच जाता है गाड़ी का नंबर। तो इसको ठीक ठाक अगर हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो इसका जो जैम होगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगर सिस्टमेटिक काम करेंगे, जो जो करना है वो करेंगे, नो पार्किंग जोन बना देंगे, कहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट होगा उसको हम एकदम ठीक से बता देंगे, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, कौन सा रोड हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कौन सा रोड में वन वे चलेगा। तो ये जो व्हीकल का जितना भी फ्लो ये थोड़ा फ्लू मतलब अच्छा तरीके से होगा और मेरे ख्याल से जो टाइम लगता है ये जैम का ये थोड़ा बहुत घटेगा, इसलिए इन लोगों को बुलाया गया है। ये जो पिकअप का बोला आपने, पिकअप और ड्रॉप का, ये तो पहले भी वहाँ पे बन चुका था और ये जो यूनिक के सामने दिया है वहाँ पे तो पूरा प्राइवेट व्हीकल ही रखता है वहाँ पे और ड्रॉप आगे में गोइंगा में कर रहे हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, अभी हम लोग मैनिंग कर रहे हैं जगह जगह पे कि जहाँ पे पिकअप ड्रॉप पॉइंट हो उधर ही ये लोग पिकअप एंड ड्रॉप करे। तो मैनिंग करके फिर हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है मैन पैक से बोल के हम लोग इस बार कैमरा भी आप लोगों को मालूम है हम लोग कैमरा ये जो इंस्टॉल किए हुआ है इधर उधर देख के, तो मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा बहुत हम लोगों को सुविधा होगा पूरा कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये कर पाएंगे तो थोड़ा बहुत जैम घट जाएगा। सर ये टू व्हीलर को लेकर क्या है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, ओवर स्पीड ये लोग चल रहा है, साइलेंसर भी ये रोक दिया था बड़ा वाला जो बड़ा साउंड करता है, तो इसको आप लोग टू व्हीलर को? एक्चुअली देखिए, टू व्हीलर थोड़ा सा रिस्की व्हीकल तो है, आप लोगों को मालूम है क्योंकि इनका दो चक्के पे ऊपर चलता है गाड़ी, इनका आपको जो टेराइन है हमारा इधर हिली रीजन में, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क तो टू व्हीलर का होगा ही होगा। तो फिर भी हम लोग जितना सावधानी हो सके, जैसे आप अगर दार्जिलिंग टाउन में देखेंगे तो इधर विदाउट हेलमेट का जो संख्या है वो एकदम 0.1% के आसपास आपको मिलेगा ही नहीं कि विदाउट हेलमेट कोई घूम रहा है। और ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने वो स्पीड कंट्रोल के लिए बोले हैं और हम लोग कुछ ये प्रोसिक्यूशन काट रहे हैं जिसका डीएल नहीं है, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि ये टू व्हीलर वाला एक्सीडेंट जितना कम हो जाए। इधर पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक को एक ही मैसेज देंगे कि देखिए ये जो रूल्स है रेगुलेशंस होता है जो कानून चलता है ये सब पब्लिक का भलाई के लिए होता है। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके दार्जिलिंग का जैम घटाए। आपको मालूम है दार्जिलिंग का जो सिस्टम है मतलब यहाँ का रोड का जो स्ट्रेच है ये बहुत कम है, मतलब जो रोड नैरो रोड है सब जगह में, जगह जगह में हमारा बॉटलनेक्स है जहाँ पे दो गाड़ी एक साथ नहीं चलता है। तो आप लोग अगर एज पर रूल चलेंगे, जो कानून बनाया गया है वो मानेंगे, वन वे मानेंगे, जहाँ पे पिकअप ड्रॉप होगा वो करेंगे, तो मेरे ख्याल से सब मिल के अगर काम करेंगे तो ये जैम भी घटेगा और जितना भी एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी है वो भी धीरे धीरे घट जाएगा। और एक चीज़ जिसके लिए हम लोगों ने बुलाया है, आपको मालूम है कि G20 डेलीगेट्स वो विजिट करने वाले हैं दार्जिलिंग को, 1, 2, 3 तारीख सिलीगुड़ी में आएंगे वो लोग, 1 तारीख को चियाकुटी में आएंगे, उसके बाद 3 तारीख दार्जिलिंग में पूरा जो टीम है वो लोग दार्जिलिंग विजिट करने के लिए आएंगे राजभवन तक। तो उसका जो प्लानिंग है पहले प्लानिंग हिसाब से दार्जिलिंग में जब आएंगे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत डाइवर्शन करना पड़ेगा, तो इस डाइवर्शन के टाइम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इमरजेंसी व्हीकल ना अटक जाए, कि किसी का अगर ठीक ठाक चल मतलब जो रनिंग रहे व्हीकल, इसके लिए हम लोग इन लोगों को बुलाए आज कि कैसे चलने से उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को VIP को भी लाना है और हमारा जितना भी दार्जिलिंग का नॉर्मल व्हीकल्स चलता है उसको भी ठीक ठाक चलाना है।
तो ये भी इन लोगों को आज हम लोग ब्रीफ करेंगे कि कैसे उस दिन हमारा सिस्टम क्या होगा, कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, कहाँ पार्किंग कर पाएंगे, कहाँ पार्किंग नहीं कर पाएंगे 3 तारीख के लिए। तो इसीलिए हम लोगों ने इन लोगों को फिर ये भी हमारा एक आज एजेंडा है। मैंने तो बस यूनियन, ट्रक यूनियन, जितना भी कमान बुस्ती वाला गाड़ी है, लग्जरी टैक्सी यूनियन, जितना भी दार्जिलिंग में अवेलेबल जो लोग इधर चलते हैं और ये रास्ते में आते जाते रहते हैं, सबको ही बुलाया गया है आज।